आईसीसी ने 2026 के T20 क्रिकेट विश्व कप का ऐलान कर दिया है और अभी से उसने शेड्यूल क्या होगा, कौन सी 12 टीमें वो है जो अभी से क्वालिफाई कर चुकी हैं, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, सारी चीजें अभी से तय कर दी हैं, अभी से घोषित कर दी हैं आईसीसी ने। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2026 के क्रिकेट विश्व कप का कहां पर विश्व कप खेला जाएगा और कौन सी वो 12 टीमें हैं जो अभी से क्वालिफाई कर चुकी हैं और बाकी और कितनी टीमें इस विश्व कप में खेलेंगी और वो किस तरह से इस विश्व कप में खेलने का अधिकार प्राप्त करेंगी। साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट टीम कितनी तैयार है इस विश्व कप के लिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गजों के संन्यास लेने के बाद, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। वैसे सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी खुशखबरी दे दूं कि 2026 का T20 क्रिकेट विश्व कप भारत में होने वाला है। जी हां, भारत और श्रीलंका इसकी संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे, यानी कि 2024 का विश्व कप जीतने के बाद भारत के पास एक और गोल्डन चांस है अपनी धरती पर T20 विश्व कप को लगातार दो बार जीतने का। तो क्या कुछ कहा आईसीसी ने इस फॉर्मेट के बारे में, इसके शेड्यूल के बारे में, इसकी टीमों के बारे में, आइए जानते हैं। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी। फरवरी से मार्च के बीच 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 2026 का फॉर्मेट भी 2024 के फॉर्मेट की तरह ही होगा। फाइनल समेत इस टूर्नामेंट में भी कुल 55 मैच खेले जाएंगे। यह टूर्नामेंट भी 20 टीमों के साथ ही खेला जाएगा। 20 टीमों को चार चार के ग्रुप्स में बांटा जाएगा, जैसा कि 2024 के विश्व कप में बांटा गया था। इसके बाद चारों ग्रुप्स की टॉप दो टीमें सुपर एट के मुकाबले में पहुंचेंगी। सुपर एट में चार चार टीमों के दो ग्रुप्स होंगे। दोनों ग्रुप्स से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये तो था फॉर्मेट। अब कौन सी वो 20 टीमें हैं जो इस टूर्नामेंट में खेलेंगी, तो इनमें से 12 टीमों की घोषणा तो आईसीसी ने पहले ही कर दी है, यानी ये 12 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। शेष 8 टीमें बाद में क्वालिफाई मैच खेल करके आएंगे। इनमें श्रीलंका और भारत होस्ट के रूप में पहले से ही इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। बाकी सुपर 8 से क्वालिफाई कर चुकी जो 2024 में सुपर 8 में पहुंची थी, इनमें अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसए और वेस्ट इंडीज। तो कुल इस तरह से 9 टीमें हो गई। बाकी की जो 3 टीमें बची हैं वो T20 रैंकिंग से क्वालिफाई कर गई हैं। इनमें न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है और आयरलैंड है। तो कुल मिलाकर के 12 टीमें अभी क्वालिफाई कर चुकी हैं, शेष 8 टीमें क्वालिफाइंग राउंड से होकर के आएंगी। तो भाई ये तो थी वो सारी बातें जो 2026 के T20 विश्व कप के बारे में आईसीसी ने बताई हैं और इसमें सबसे बढ़िया बात तो ये कि ये विश्व कप भारत की धरती पर होने जा रहा है। तो अब आप लोग बताइए क्या भारतीय क्रिकेट टीम अपनी धरती पर ए वाला क्रिकेट विश्व कप जीत करके बैक टू बैक T20 विश्व कप जीतने का ऐतिहासिक कारनामा रच पाएगी? अपनी राय, अपनी भावना कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो में इतना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।